हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं लहसुन, जिसको मैं कार्डबोर्ड बॉक्स में लगा रखी हूँ और ये अब बड़े हो चुके हैं। इसको लगाए करीब 1.5 हफ्ते हुए हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने इनमें खेत की मिट्टी और इसके नीचे जो भी सब्जी वगैरह के छिलके थे सब डाल दी हूँ। और ये काफ़ी, इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं इसमें पूरी तरह से मिट्टी नहीं भरी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ही कम मिट्टी डाली हूँ इसमें। तब भी देखिए, हमारा जो लहसुन है अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और इसमें देखिए, मैं 2 पेड़ टमाटर लगा दी हूँ। वैसे भी टमाटर मेरे बचेंगे नहीं, क्योंकि बंदर खा जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा लगाना, इसलिए मैं इसको लगा दी। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में लगाइए, और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, धनिया के साथ, तो आप ज़रूर लगाइएगा इसको। और मैंने जो है इसकी लहसुन को जो है गमले में भी लगाई हूँ। जो भी मेरे पास छोटे बड़े पॉट खाली थे, मैं उसमें भी लगाई हूँ। तो चलिए दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, गमले में लगाने से जो है, जो भी गमले में प्लांट लगे रहते हैं वो भी जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी लहसुन लगा रखी हूँ, और ये देखिए बाल्टी में भी लगाई हूँ, देखिए। और यहाँ पे दिखा दें आपको, ये हमारा देख रहे हैं, इसमें भी मैंने लगा रखी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाना, देखिए। और ये कितने बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं फिर जा रही हूँ लगाने, क्योंकि ये जो है ये कार्डबोर्ड मुझको मिला है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें भी लगा दें। तो इसमें मैंने ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली हूँ। और ये देखिए, मैं आपको लहसुन दिखा दे रही हूँ, इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने लहसुन ले लिया है, और बस ये जो आप देख रहे हैं ऐसा लहसुन होना चाहिए, देखिए। और हमको जो है इसको जो है मिट्टी में दबाना है, तो इस तरह से हम मिट्टी में इसको दबा देंगे और थोड़ा दूरी दूरी पे लगाएंगे, ताकि लहसुन की ग्रोथ जो है अच्छी बने। देखिए, मैंने इस तरह से लगा दिया, और इसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूंगी। और 2-4 लहसुन की कली बची हुई है, तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ये जो गमला खाली है इधर इस साइड में, यहाँ पे लगाऊंगी। इस तरह से इसको इसमें खोस देंगे। अब 1-1.5 हफ्ते बाद जो है ये भी तैयार हो जाएंगे, और जो मैंने इसमें कार्डबोर्ड में लगाई हूँ ये भी निकल आएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में जो है किसी भी पॉट में लहसुन लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होती है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।